दोस्तों, अगर आप वर्डप्रेस या ब्लॉगर में एक प्रोफेशनल ब्लॉग या वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको डोमेन नेम और होस्टिंग सर्विस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। डोमेन नेम के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, आज बात करेंगे होस्टिंग सर्विस के बारे में। आज हम जानेंगे वेब होस्टिंग क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको कौन सा वेब होस्टिंग लेना चाहिए, इन सभी के ऊपर आज हम बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजित मिश्रा और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वेबसाइट गाइड हिंदी में, जहाँ पे आपको हर रोज वेबसाइट रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करके अगर आप ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देते हो तो जब भी इस चैनल पे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले होस्टिंग को समझ लेते हैं। व्हाट इज होस्टिंग? होस्टिंग क्या है? होस्टिंग बिल्कुल हमारे कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर में जैसे हम अलग अलग प्रकार के फाइल्स को स्टोर करके या सेव करके रखते हैं, वैसे ही हमारे वेबसाइट के फाइल्स को हम होस्टिंग में स्टोर करके रखते हैं। एक वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो वहां पे आपको टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ये सब फाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। कुछ वेबसाइट्स है तो आप अलग अलग टाइप के फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो अलग अलग टाइप के फाइल्स है जो एक वेबसाइट ओपन करते ही आपके स्क्रीन के सामने आ जाता है, ये कहीं ना कहीं तो अपलोडेड है। किसी ना किसी ने इन फाइल्स को अपनी वेबसाइट में अपलोड किया होगा तभी ये आपको दिखाई दे रहा है। यूट्यूब में ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये भी हम जैसे क्रिएटर्स अपलोड करते हैं, पब्लिश करते हैं, तभी ये आपको दिखाई देता है। तो ये सभी फाइल्स जहां स्टोर रहते हैं उसे होस्टिंग कंप्यूटर या होस्टिंग सर्वर कहा जाता है। और जो कंपनीज ये होस्टिंग कंप्यूटर या होस्टिंग सर्वर प्रोवाइड करते हैं उन्हें वेब होस्टिंग कंपनीज कहा जाता है। होस्टिंग को वेब होस्टिंग या वेबसाइट होस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। जिस भी कंप्यूटर को वेब होस्टिंग से जोड़ा जाता है वो 24 घंटे ऑन रहता है और 24 घंटे वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। दोस्तों, आप चाहो तो अपने कंप्यूटर को भी एक वेब होस्टिंग बना सकते हो और अपने वेबसाइट को पब्लिकली लॉन्च भी कर सकते हो, बट इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर को 24 घंटे 365 दिन ऑन रखना होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड रखना होगा। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑफ करोगे या अगर वो बाय चांस इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होता है तो आपका वेबसाइट ऑफलाइन चला जाएगा, वो दूसरे डिवाइसेस पे लोड नहीं होगा और इसी को कहते हैं सर्वर डाउन होना। हम सभी के लिए अपने कंप्यूटर्स को 24 घंटे 365 दिन ऑन रखना और इंटरनेट से कनेक्टेड रखना पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स व्हाई हम होस्टिंग परचेज करते हैं। वेब होस्टिंग एक कंप्यूटर ही है। जैसे आपके कंप्यूटर के सीपीयू में प्रोसेसर होता है, रैम होता है, HDD या SSD होता है, वैसे ही जब आप एक होस्टिंग परचेज करते हो किसी कंपनी से तो उसमें भी आपको प्रोसेसर, रैम, HDD, SSD ये सब प्रोवाइड किया जाता है। जब आप किसी एक कंपनी से वेब होस्टिंग परचेज करते हो तो वो कंपनी आपको पूरा एक CPU प्रोवाइड कर देता है या उस CPU का एक स्टोरेज स्पेस आपको प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपने वेबसाइट के फाइल्स को स्टोर रखते हो। वेब होस्टिंग सर्वर साल के 365 दिन 24 घंटे ऑन रहता है, इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। चलिए अभी जान लेते हैं वेब होस्टिंग काम कैसे करता है। जो भी कंपनीज आपको होस्टिंग देती है वो आपके डेटा को यानी आपके वेबसाइट के फाइल्स को किसी एक हाई स्पीड कंप्यूटर में स्टोर करके रखती है। अब जब भी कोई इंसान अपने कंप्यूटर या मोबाइल में एक URL टाइप करता है, जैसे कि rajitmishra.com अगर कोई टाइप करता है तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट वेब सर्वर तक जाता है और फिर वहां से जो भी URL आप टाइप करते हो उस पेज का एक कॉपी आपके कंप्यूटर या मोबाइल में भेज दिया जाता है। अभी बहुत सारे लोगों का एक सवाल आएगा, अगर वेब होस्टिंग एक कंप्यूटर ही है तो क्या हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को भी एक वेब होस्टिंग या होस्टिंग सर्वर बना सकते हैं और उसमें अपने वेबसाइट को पब्लिकली लॉन्च कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल कर सकते हो, बट अभी सवाल आता है क्या आप अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को 365 दिन 24 घंटे ऑन रख सकते हो? क्या उसमें इंटरनेट कनेक्शन हमेशा आप ऑन रख सकते हो, उसमें हमेशा इंटरनेट रहेगा? चलिए मान लेते हैं अगर लोड सेटिंग नहीं होता है, इंटरनेट कनेक्शन हमेशा आपके डिवाइस में ठीक ठाक काम भी करता है, आप अपने कंप्यूटर को हमेशा 365 दिन 24 घंटे ऑन रखते हो, ऑफ नहीं करते हो कभी भी, तब भी क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा? अगर आप एक कंप्यूटर को 24 घंटे ऑन करके रखते हो तो वो मिनिमम 2 यूनिट से लेकर 7 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और यहाँ पे जो मिनिमम 2 यूनिट मैंने बताया वो सबसे लो कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर के लिए मैंने बताया, और वो भी तब जब कंप्यूटर के साथ मॉनिटर कनेक्टेड नहीं रहता है। तो एवरेज अगर 3 यूनिट मान के चलते हैं तो साल का हो जाता है 1095 यूनिट, और अगर पर यूनिट 7 रुपीज मान के चलते हैं तो साल भर सिर्फ आपके कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आता है 7665 रुपीज। 7665 रुपीज
वो भी साल भर सिर्फ आपके कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए, और इसमें भी आपको कोई बहुत अच्छा सुपर फास्ट होस्टिंग नहीं मिलने वाला है। वही पे अगर आप होस्टिंग बाय करने की सोच रहे हो तो साल भर का कॉस्ट कुछ 1500 के आसपास आता है, 69 रुपीज पर मंथ के हिसाब से भी होस्टिंग आपको मिल जाता है। और ये तो मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के हिसाब से आपको समझाया है। अगर आप साल भर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन रखते हो सकता है 2-3 साल बाद ही उस कंप्यूटर का रैम या हार्ड डिस्क या SSD को आपको चेंज करना पड़े, और भी कई प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर में दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो करप्ट हो सकता है। और ऐसा अगर हो जाता है तो जितना भी आपका डेटा है, वेबसाइट का जो डेटा है, कंप्यूटर के जो डेटा है, वो डिलीट हो जाएंगे, उसे आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो अपने कंप्यूटर को एक वेब होस्टिंग सर्वर बनाना कोई समझदारी का काम तो नहीं है, बट जब आप सीख रहे हो, जब आप सीखोगे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट में काम कैसे करता है, वो लर्निंग प्रोसेस में आप अपने कंप्यूटर को कुछ टाइम के लिए एज वेब होस्टिंग यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने कंप्यूटर को ही वेब होस्टिंग कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर का यूज करके आप खुद से घर पे ये कर सकते हो। पूरा प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में सीखने को मिल जाएगा। चलिए जानते हैं होस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होस्टिंग 2 प्रकार के होते हैं, लिनक्स होस्टिंग और विंडोज होस्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, होस्टिंग बेसिकली एक कंप्यूटर ही है, तो कंप्यूटर रन होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम या OS चाहिए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होने वाला होस्टिंग लिनक्स होस्टिंग कहलाता है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होने वाला होस्टिंग विंडोज होस्टिंग कहलाता है। तो लिनक्स होस्टिंग और विंडोज होस्टिंग में अंतर क्या है? दोस्तों, अंतर है बस पैसे का। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है, जैसे कि हम एंड्रॉयड को करते हैं। बट विंडोज फ्री नहीं है। विंडोज को यूज करने के लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, कंपनीज को भी लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, और ये जो लाइसेंस का कॉस्ट है ये आपके होस्टिंग में इंक्लूड हो जाता है, तो प्राइस बढ़ जाता है। इसीलिए आज भी ज्यादातर वेबसाइट लिनक्स होस्टिंग पे ही बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं वेबसाइट सपोर्ट के आधार पे होस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सपोर्ट के आधार पे होस्टिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं। मेनली 3 टाइप्स के होस्टिंग आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला आता है शेयर्ड वेब होस्टिंग। ये सबसे चीपेस्ट और बिगिनर्स के लिए बेस्ट होस्टिंग माना जाता है। शेयर्ड होस्टिंग में ढेर सारे वेबसाइट्स को एक साथ रन किया जाता है, एक ही सर्वर में बहुत सारे वेबसाइट्स को एक साथ चलाया जाता है। बहुत सस्ता होता है और बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है। शेयर्ड होस्टिंग के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी है। प्रोज की अगर हम बात करें, जो इसके फायदे हैं वो अगर हम देखें, तो ये काफ़ी सस्ता होता है, एक बिगिनर्स के लिए अफोर्डेबल होता है, क्योंकि एक बिगिनर जब अपना वेबसाइट शुरू करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उसको नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए शेयर्ड होस्टिंग अच्छा होता है। कम प्राइस में आप अपने वेबसाइट को ग्रो कर सकते हो। बट अगर इसके कॉन्स की बात करें तो शेयर्ड होस्टिंग बहुत सारे लोगों में बांट दिया जाता है। अभी अगर किसी एक वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एक टाइम पे आ जाता है तो उसका इफेक्ट बाकी सभी वेबसाइट में देखने को मिलेगा, बाकी सभी वेबसाइट्स स्लो रन करेंगे। शेयर्ड होस्टिंग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता है। शेयर्ड होस्टिंग के भी अलग अलग प्लान्स आते हैं, जिसमें अगर आपके वेबसाइट में मंथली विजिटर 10,000 से लेके 1,00,000 तक है तो आप शेयर्ड होस्टिंग का यूज़ कर सकते हो। 69 रुपीज पर मंथ के हिसाब से शेयर्ड होस्टिंग आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है VPS होस्टिंग, यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें एक मेन सर्वर को बहुत सारे वर्चुअल सर्वर्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक सर्वर में बस एक ही वेबसाइट को रन किया जाता है। VPS होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग के तुलना में बहुत ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। जहां पे एक शेयर्ड होस्टिंग मंथली 10,000 से लेके 1,00,000 या उसके आसपास तक ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है, वहीं पे एक VPS होस्टिंग दिन के, डेली के 10,000 से 50,000 तक ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। VPS होस्टिंग का स्पीड और प्राइस दोनों शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ा ज्यादा होता है। VPS होस्टिंग आपको मंथली 249 रुपीज से मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है डेडिकेटेड वेब होस्टिंग। ये वेब होस्टिंग सबसे ज्यादा महंगा होता है और ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। इसमें आपको पूरा एक कंप्यूटर, डेडिकेटेड कंप्यूटर या डेडिकेटेड CPU आप बोल दीजिए, ये आपको पूरा दे दिया जाता है रेंट में, और इसमें सिर्फ आपके एक वेबसाइट को रन किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, जैसे कि Amazon, Flipkart, जहां पे हर एक सेकंड ना जाने कितने लोग एक साथ वेबसाइट को विजिट कर रहे होते हैं, ऐसे बड़े बड़े वेबसाइट्स, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज अपने वेबसाइट के लिए डेडिकेटेड होस्टिंग का यूज करते हैं। और एक प्रकार का होस्टिंग होता है जिसे रीसेलर होस्टिंग के नाम से जाना जाता है। रीसेलर होस्टिंग उन लोगों के लिए है जिनको होस्टिंग बिजनेस करना होता है, बट खुद का सर्वर नहीं होने के कारण वो कंपनीज से रीसेलर होस्टिंग परचेज करते हैं। रीसेलर होस्टिंग को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है और अलग अलग लोगों में शेयर किया जा सकता है। अलग अलग लोगों को आप वो पार्टीशन बेच सकते हो और हर पार्टीशन के लिए आपको अलग कंट्रोल पैनल यानी cPanel मिल जाता है। शेयर्ड होस्टिंग में भी बहुत सारे वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हो। इनके जो अलग अलग प्लान्स है, आप एक वेबसाइट को, 100 वेबसाइट को आप
होस्ट कर सकते हो। बट इन सभी वेबसाइट का कंट्रोल पैनल बस एक ही होता है, आप इनको अलग अलग लोगों में सेल नहीं कर सकते हो क्योंकि कंट्रोल पैनल एक होता है, तो सभी में तो आप कंट्रोल पैनल को शेयर नहीं करोगे। बट रीसेलर होस्टिंग के सभी पार्टीशन के लिए अलग अलग कंट्रोल पैनल मिल जाता है, तो अगर आप किसी को सेल भी करते हो तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप रीसेलर होस्टिंग को उसको सेल कर रहे हो। एक और टाइप का होस्टिंग होता है जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, उसका नाम है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग बेसिकली अलग अलग लोकेशन पे रखे सर्वर्स का एक ग्रुप होता है जिसे क्लाउड होस्टिंग कहा जाता है। अगर आपके वेबसाइट का डेटा इंडिया के किसी सर्वर में स्टोर्ड है और अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति अगर आपका वेबसाइट ओपन करता है तो अमेरिका के सर्वर से रिक्वेस्ट इंडिया के सर्वर में आएगा, फिर एक्सेस मिलने के बाद इंडिया से वो रिक्वेस्ट लौट के अमेरिका जाएगा और फिर जाके वहां पे आपका वेबसाइट लोड होगा। बट क्लाउड होस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। क्लाउड होस्टिंग में अलग अलग लोकेशन में रखे सर्वर्स में आपका जो डेटा है वो सिंक हो जाता है। तो अगर कोई अमेरिका में बैठा व्यक्ति आपके वेबसाइट को ओपन कर रहा है, आपके वेबसाइट का डेटा इंडिया के सर्वर में स्टोर्ड है, तो वो रिक्वेस्ट इंडिया तक नहीं आएगा, वो अमेरिका के सर्वर में या नियरेस्ट जो भी सर्वर होगा वहां तक जाएगा और फिर एक्सेस मिलते ही वो वेबसाइट लोड हो जाएगा। क्लाउड होस्टिंग बहुत फास्ट है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। क्योंकि क्लाउड होस्टिंग अलग अलग लोकेशन पर रखे बहुत सारे सर्वर्स का एक ग्रुप होता है, तो किसी सर्वर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उस सर्वर में बने वेबसाइट्स डाउन नहीं जाते हैं। इंस्टेंट अलग जितने भी सर्वर्स है वो उस वेबसाइट का एक्सेस ले लेता है, तो वेबसाइट कभी डाउन नहीं जाएगा, कभी सर्वर डाउन का प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, और इसी वजह से क्लाउड होस्टिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। क्लाउड होस्टिंग का प्राइस वीपीएस होस्टिंग के जैसा ही होता है या उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट एक डेडिकेटेड होस्टिंग से बहुत कम होता है। मल्टीपल सर्वर्स का एक ग्रुप होने के कारण क्लाउड होस्टिंग बहुत ज्यादा ट्रैफिक को एक साथ हैंडल कर सकता है। चलिए अभी जान लेते हैं कौन कौन से अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, कौन कौन से अच्छे वेबसाइट्स हैं जहां से आप होस्टिंग परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, होस्टिंग हमेशा एक अच्छे प्रोवाइडर से ही परचेज करना चाहिए ताकि अपटाइम आपको अच्छा मिले, स्पीड आपको अच्छा मिले। स्क्रीन में आपको काफी सारे कंपनीज के नाम दिखाई दे रहे होंगे, इन सभी का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बट अगर आप जानना चाहते हो मैं पर्सनली किसका होस्टिंग यूज करता हूँ, तो मैं होस्टिंगर का होस्टिंग यूज कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से इस होस्टिंग को मैं यूज कर रहा हूँ, कभी भी ये 1 सेकंड के लिए भी डाउन नहीं गया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया है। होस्टिंगर का होस्टिंग 69 रुपीज पर मंथ से शुरू हो जाता है, चीपेस्ट है, अच्छा है, इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो, या इनमें से जितने भी कंपनीज आप देख रहे हो इनमें से किसी से भी आप होस्टिंग परचेज कर सकते हो। होस्टिंगर से अगर आप होस्टिंग परचेज करते हो तो 69 रुपीज पर मंथ का जो प्लान है या जितने भी प्लान है उसके ऊपर परचेज करने के टाइम पे अगर आप योर टेक्निकल ये वाला कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आज आपने जाना होस्टिंग के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कैसे कंप्यूटर या लैपटॉप को होस्टिंग सर्वर बनाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने फोन एंड ईमेल में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करें। दिस इज अ न्यू चैनल और ये चैनल तभी ग्रो करेगा जब आप सब मिलके सपोर्ट करोगे। सो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, प्लीज सपोर्ट दिस वीडियो। आपका 1 लाइक मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे और भी वीडियोस बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।